नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। देहरादून स्थित सांस्कृतिक विभाग में मिशन सिलक्यारा नाटक का अवलोकन किया गया। सिलक्यारा टनल बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नायकों के साहस और परिश्रम पर आधारित नाटक को देखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट सहित कई नेता और पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मधु भट्ट ने कहा कि बाबा बोकनाथ की असीम कृपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कई संस्थानों, सेना के जवानों एवं रैट माइनर्स के अथक प्रयास से सुरंग में फंसे श्रमिकों के जीवन को बचाने में सफलता मिली है। इस प्रकार की कोई भी विकट परिस्थितियां सामने आती हैं तो हमें पूरा भरोसा रहता है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यही है तो है मोदी की गारंटी। आपको पता चले कि सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद भी रहे हैं। दरअसल मधु भट्ट ने भी पीएम की तारीफ की है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर मिशन सिलक्यारा नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को कैसे बाहर निकाला गया और कैसा वहां का समय रहा उसको भी एक नाटक के माध्यम से दर्शाया गया। और यहां पर सीएम धामी भी मौके पर पहुंचे थे और इस नाटक में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि मधु भट्ट ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा टनल में कैसे मजदूरों को बाहर निकाला गया और क्या चीज वहां पर रही जो कि मोदी की गारंटी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 21 प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजकों के साथ में बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी 2024 के संकल्प पत्र में आम लोगों में से किस तरह से सुझाव लेगी उसको लेकर चर्चा हुई है। वहीं बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ सभी प्रकोष्ठों के संयोजक भी इस बैठक में शामिल हुए। और जिस तरह से बीजेपी अभी 3 लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है और ऐसे में बीजेपी का अब अगला फोकस संकल्प पत्र बनाना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी कहना है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर बीजेपी अपना संकल्प तैयार करेगी। पोस्ट हमारे यहाँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व के लिए हम मनाते हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ चिकित्सकों के बीच में काम करता है, शिक्षा प्रकोष्ठ रिटायर्ड जो अध्यापक हैं उनके बीच में काम करता है। हमने पहली बार 3 नए प्रकोष्ठ बनाए, विकलांग प्रकोष्ठ, खेलकूद प्रकोष्ठ और हमारा पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ। तो हर प्रकोष्ठ के समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके बीच में पार्टी के विषय रखने के लिए, उस समाज के अनेकों सुझाव, उन क्षेत्र के अनेकों सुझाव हैं, उन सुझावों को अपने कार्य योजना में जोड़ने के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। आज किस प्रकोष्ठ वाली प्रदेश की बैठक है, प्रकोष्ठ का गठन हमारा जिला स्तर पर हो चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही अब बीजेपी द्वारा आम जनता से संपर्क अभियान को और वृहद स्तर पर करने का काम किया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 4 और 5 तारीख को हरिद्वार लोकसभा में लाभार्थी सम्मेलन के 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मौजूद रहेंगे और दूसरे कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। क्योंकि व्यस्तता के कारण 2 तारीख का कार्यक्रम स्थगित हुआ है। इसके अलावा 4-5 तारीख को मार्च मेरा और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास अभी 2 दिन का बना है, लाभार्थी सम्मान समारोह हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ चुनिंदा लाभार्थियों को हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। 4 तारीख को हमारे संगठनात्मक जिला है लोकसभा हरिद्वार के 2 जिले, एक हरिद्वार जिला एक रुड़की जिला, हरिद्वार जिले की सभी विधानसभाओं का बूथ के पन्ना प्रमुख से लेकर सुपर कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन हम लक्सर में करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके चलते बीजेपी महिला मोर्चा 4 मार्च से 3 दिवसीय
कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इस बात को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने भी कहा कि 4 मार्च को रन फॉर पीएम यानी कि रन फॉर मोदी मैराथन दौड़ होगी, जिसमें हमारी विभाग की महिलाएं दौड़ लगाएंगी और 5 मार्च को हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी, जिसमें हम प्रधानमंत्री द्वारा किए गए महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, 4 मार्च को हमारा रन फॉर मोदी रन फॉर पीएम मैराथन दौड़ होगी और उसमें जो हमारे विभाग है उनके द्वारा महिलाएं दौड़ लगाएंगी, मैराथन करेंगी और महिला मोर्चा उनके स्वागत में वहां खड़ा रहेगा, उनका प्रोत्साहन करेगा। ये दौड़, ये मैराथन हमारे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पित होगी। 5 तारीख को हमारा हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी, जिसमें हम मोदी जी के द्वारा किए गए महिला उत्थान के कार्यों को, महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और स्कूटी रैली करेंगे। तीसरी तारीख यानी 6 मार्च को हमारा हर मंडल में, हमारे 270 मंडल हैं, 270 मंडलों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल से 1,00,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं चमोली के अंतिम विश्व प्रसिद्ध रिहायशी वाड़ गांव में लाटू देवता धाम है और जिसका देवी देवताओं और प्रकृति से सदियों से अनोखा रिश्ता भी है। विश्व प्रसिद्ध रूप कुंड अली बुग्याल और साथ ही वेदनी कुंड बुग्याल जैसे हिमालय छोर पर बसा हुआ भारत का यह अंतिम गांव है, जहां पर आपको बता दें कि अपनी संस्कृतियां और परंपराओं के लिए जाना जाता है। आराध्य देवी मां नंदा देवी और साथ ही लाटू देवता में भक्तों का भी बड़ी संख्या में आना जाना लगा रहता है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के कई शानदार और खतरनाक डेस्टिनेशन का ये गांव बेस कैंप है और इसके बाद में आपको बता दें कि ऊपरी हिस्सा में निर्जन क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। यहीं से मां नंदा देवी को यहां के लोग हजारों लोगों की उपस्थिति में उनको ससुराल कैलाश के लिए विदा करते हैं। आज हमारी ग्राम पंचायत वाण में जो है काफी बर्फबारी हुई है और मुझे लगता है कि ये शायद साल की अंतिम बर्फबारी होगी और इस बर्फबारी से जो है हमारी फसलों को, हमारे सेब के पेड़ों को और देवदार, सुराई, बुरांस, तमाम अंगियारी के पेड़ों को जो है काफी फायदा हुआ है और फसल को काफी फायदा हुआ है। इस खुशी में हमारे गाँव की महिलाएं यहाँ पर झूम उठी और लोकल नृत्य गाया गया हमारी महिलाओं के द्वारा। काफी खुश नजर आई हमारी गांव की महिलाएं और आज सुबह सुबह जो है सारी महिलाओं ने मुझे फोन कर बताया। ये थोड़ा 5 मिनट का कार्यक्रम या तो गीत गाना किस खुशी में मनाया गया, हम हमारी फसल को, हमारी धरती माँ को, प्यासी धरती को प्यास बुझ गई, हमारी फसल को प्यास मिल गई, प्यास बुझ गई। हमें इस खुशी में बहुत उत्सव के कारण से हमने ये चांदली, दो शब्द चांदली लगा दी। हमारे ग्राम वार्ड में ये लास्ट, मेरे ख्याल से ये लास्ट पर्व होगा। इस खुशी में हमने यहाँ पर थोड़ा दो शब्द कहने का खुशी मनाई। हमने आरी सारी महिलाओं ने मिलजुल कर एक खुशी मनाई। हमने नृत्य, हमने यहाँ पर चांदली लगाई, सभी खुशियों में हमको यहाँ खुशी हुई। हमने आज एक लोक नृत्य यानी कि चांदली जिसे कहते हैं, वो साल की अंतिम बर्फबारी होगी ऐसा हमने उसके उपलक्ष्य में आज छोटा सा चांदली नृत्य किया और हमारे गांव में यानी कि इलाके में पूरे कम से कम 90 दिन के सूखा पड़ने के बाद बावजूद हमारे आराध्य देव लाटू देवता की कृपा से थोड़ी बारिश आई है। 1.5 हफ्ते पहले बारिश आई, फिर बारिश आने के बाद 2-3 बार बर्फबारी हो चुकी है लेकिन अब लग रहा है कि ये साल का लास्ट बारी बर्फबारी होगी। पहाड़ों में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है जिसके चलते कई ग्रामीण इलाकों में बारिश हो रही है तो कई ग्रामीण इलाके इस वक्त पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। पहाड़ों में मार्च का महीना आते ही पहाड़ों में थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास होने लग जाता है लेकिन इस बार मार्च के महीने में भी दिसंबर और जनवरी महीने की तरह ही कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी है।
साथ ही आपको बताते चले कि लगातार दो तीन दिनों से जबरदस्त बर्फबारी ऊंची चोटियों से लेकर कई ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहां का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद अजय भट्ट को बीजेपी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना से भाजपाइयों में खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी है। किच्छा से आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जोरदार आतिशबाजी करते हुए पार्टी हाईकमान का आभार भी व्यक्त किया है। जन जन के नेता हमारे लोकप्रिय सांसद जो सर्वश्रेष्ठ सांसदों में एक हैं, उनको पुनः इस लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जिसके लिए मैं आदरणीय अजय भट्ट जी को बधाई देता हूं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी को, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश संगठन को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे ऐसे नेता को पुनः टिकट दिया है जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, हमेशा कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल रहते हैं, सहज सुलभ उपलब्ध है। और कल भी किच्छा में जब टिकट की घोषणा हुई तो यहाँ किच्छा में लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत जनमानस से और कार्यकर्ताओं के घर घर जाके संपर्क कर रहे थे। हम प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने माननीय अजय भट्ट पूर्व सांसद थे, जो सबके बीच में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, सबके सुख दुख में हमेशा काम आते हैं और 108 की तरह जब भी बुलाओ हाजिर रहते हैं। ऐसे हमारे माननीय अजय भट्ट जी को इस विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है, इसी वजह से यहाँ पर मिष्ठान वितरण लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है, इसी वजह से सब महिला मोर्चा और सब लोग बहुत ही खुश है और प्रसन्न है, सब ने मिष्ठान वितरण किया है और आतिशबाजी किया है, इस वजह से हम प्रदेश नेतृत्व के बहुत ही आभारी हैं। सांसद रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी को पुनः दोबारा नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित करने पर आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां पर मिष्ठान वितरित कर खुशी जाहिर की है, और हमने कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि नैनीताल लोकसभा सीट जो है 5 लाख वोटों से अधिक जीतकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में ये सीट डालना है। और मैं पुनः सभी को बधाई देते हुए आभार व्यक्त करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय धामी जी का, प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, कि हमारे अजय भट्ट जी को पुनः यहां पर प्रत्याशी बना के भेजा है और कार्यकर्ताओं बहुत खुशी की लहर है। सीधा आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार, जहां पर लाभार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी भी पहुंचे हैं। मेरा आग्रह है कि पत्रकार मित्रों को बैठने के लिए स्थान दे दीजिएगा, हमारे बहुत ही हमारे प्रिय पत्रकार मित्र हैं, तो मैं औरों से अनुरोध करूंगा कि पहली पंक्ति में हमारे पत्रकार मित्रों को बोले भारत माता की, जरा जोरदार हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ पर ये पत्रकार मित्र को मैं धन्यवाद देता हूँ।
आज हमारे लिए यहाँ पर गरीब कल्याण से संबंधित लाभार्थी सम्मेलन हो रहा है जिसमें हजारों हजारों लोग हैं और आपको बधाई देने के लिए और बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी जुझारू और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। वो आपको यहाँ तोहफा देने के लिए आए हैं बहुत सारी करोड़ों करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आए हैं। आज लाभार्थियों को न केवल बधाई देने के लिए आए हैं बल्कि बहुत सारे लाभार्थियों को अभी और सम्मान देने के लिए भी यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए मैं एक बार इस पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से अपने बहुत ही लोकप्रिय हंसमुख और जुझारू ऐसे युवा मुख्यमंत्री का अभिनंदन करता हूँ जो तालियों के साथ हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत खुशी का विषय है कि हमारे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जो कई बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ राज्यसभा के भी सदस्य बनकर के अभी हाल में ही उच्च सदन में गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उच्च सदन में गए हम छोटा चालों के साथ महेंद्र भट्ट सिंह का भी अभिनंदन करना चाहते हैं। हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरिद्वार के लोकप्रिय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री भाई श्रीमती कौशिक जी, हमारे राजपुर क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी विधायक बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू विधायक जो कई बार से वहां पर विधायक हैं और आज उनकी क्षेत्र की भी बहुत सारी योजनाएं यहां पर लोकार्पित और शिलान्यास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी स्वागत कर रहा हूं। हमारे बीच हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रिय श्री गोयल जी भी यहां पर हैं, संदीप गोयल जी, उनका भी अभिनंदन है। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त श्यामजी सैनी जी हमारे बीच है, यहां पर इनका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और लोकसभा के प्रभारी कुलदीप भाई जी यहां पर है, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी अभी उपस्थित है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। पूर्व विधायक श्री राठौर जी जो बहुत सारे पदों पर भी रहे हैं और वो भी आज उपस्थित हैं और इस क्षेत्र के पूर्व में कई बार विधायक रहे बहुत ही लोकप्रिय मेरे प्रिय संजय गुप्ता ये भी हैं, मेरी उनको भी शुभकामना। हमारे बीच नगर पालिका के जो निवर्तमान अध्यक्ष है यहाँ लक्षण के अमरीश गर्ग जी और रानीपुर क्षेत्र के शिवालिक नगर के राजीव जी सहित बहुत सारे यहाँ पर हमारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं एक बार हृदय की गहराइयों से जो मंच पर पीछे बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं जिसमें हमारे इस लोकसभा के विस्तारक जी सहित और हमारे प्रदेश के बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर और जिले के महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले हमारे जिले के महामंत्री से सभी लोग हैं, मैं और हमारे सभी यहाँ पर आगंतुक भाई और बहनों पत्रकार मित्रों, आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में जाकर के पीछे के समय में आप देखेंगे वो पीछे के समय में भी सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये पिछली बार जिसका उन्होंने शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन भी किया और ये पहली बार हो रहा है जो शिलान्यास होता है यही सरकार उसका उद्घाटन भी करती है, ये पहली बार हो रहा है। और आज कितने लाखों मैं देख रहा हूँ कि 68 करोड़ 82 लाख की लागत से 66 परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये लंबी सूची है जिसमें बहुत सारे काम है, चाहे हमारी लक्षण विधानसभा है, हमारी खानपुर विधानसभा है, हमारी रानीपुर विधानसभा है, हमारी हरिद्वार विधानसभा है, हमारी ज्वालापुर विधानसभा है, बहुत सारी विधानसभाओं के यहाँ पे हजारों हजारों
आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत आभारी हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि ये 2014 में नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र में जो सरकार बनी, तब से लेकर अब तक हरिद्वार तक और अब जमीन और आसमान का अंतर है। मैं हरिद्वार के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। उसके विकास की जो गंगा बही है, चाहे वो सड़क है, चाहे पुल है, चाहे पुलिया है, चाहे पेयजल योजना, हजारों करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं को बनाया गया। ये सड़कें, ये लक्सर से आप लक्सर से देखेंगे रुड़की की क्या स्थिति थी पहले, चाहे लक्सर से हरिद्वार, लक्सर से दिल्ली वाली रोड, ये यदि लक्सर के बीच में भी हम खड़े होंगे तो लक्सर का क्षेत्र हो, चाहे खानपुर का क्षेत्र हो, चाहे हरिद्वार का क्षेत्र हो, चाहे ज्वालापुर का क्षेत्र हो, चाहे हरिद्वार ग्रामीण का क्षेत्र हो, इन सभी विधानसभाओं में पूरे जिले में ये विकास की गंगा बही है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। गरीब कल्याण का पूरे प्रदेश में सर्वाधिक लाभ यदि मिला है तो हरिद्वार के लोगों को मिला है, मेरे किसानों को मिला है। 1,34,000 किसानों के खातों में, हरिद्वार जिले की बात कर रहा हूँ, 1,34,000 किसानों के खातों में 302 करोड़ रुपए से भी अधिक प्रधानमंत्री सम्मान निधि गई है। यही जिला है जिसमें 1,14,000 से भी अधिक गैस के कनेक्शन, फ्री गैस के कनेक्शन हुए हैं। यही जिला है जिसमें लगभग 2,000 करोड़ की पेयजल योजनाएं बनी है। यही जिला है जिसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोगों के हाथों में रोजगार मिला है। यही जिला है जिसमें जनधन के खाते 11 लाख खाते खुल करके गरीबों का 400 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा है। मैं समझता हूँ यदि मैं यहाँ खड़े होकर के बोलूँ कि जितना लाभ मेरे गरीबों को 2019 के बाद, 2020 में जब कोरोना आया था, पूरी दुनिया के लोग सोचते थे इतना बड़ा देश है भूखों मर जाएंगे क्योंकि धन से कोई बाहर नहीं निकल रहा था, और जो उस दिन का झाड़ी करते थे और उसी तक खाते थे, ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती। लेकिन प्रधानमंत्री के रहते हुए 2019-20 से आज तक फ्री राशन दिया जा रहा है। मुझे लगता है अरबों रुपए का फ्री राशन इस जिले में मेरे गरीबों को मिल रहा है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बहुत बैठी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहाँ नारी सशक्तिकरण का जो नारी बंधन अभिनंदन जो एक कानून बनाया, हमारे यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहले ही 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया है, और एक नहीं तो महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं बनी है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हजारों लखपति दीदी बन चुके हैं। केवल इस जिले में अभी तक 20,000 से भी अधिक बहने लखपति दीदी बन चुके। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने बहनों को, और इसलिए मैं एक बार विशेष करके अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा हूँ कि वो विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सड़क नहीं है, काम कौन सा क्षेत्र है, उस सड़क को पेयजल पहली प्राथमिकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।